राम राम साहब, आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ साहब। घर पसंद आया? जहाँ तुम हो वही मेरी खुशी है। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अभी कहाँ जा रही हो? थोड़ा दम तो ले लो। ड्यूटी का पहला दिन दम लेने का नहीं, दम देने का होता है। इस जंगल में ना कोई जानवर कम होंगे, ना ही किसी पेड़ से टहनी कटेगी। सर, अगर किसी ने टहनी काटने की कोशिश की तो सर? तो पेड़ पर उठने वाले हाथ को मैं काट दूंगा और जानवरों पर उठने वाली नजरों को मैं चेहरों से उखाड़ दूंगा। नहीं फॉरेस्ट ऑफिसर, नहीं। मारने, काटने, उखाड़ने और गाड़ने का काम दुष्टों और जालिमों का होता है, अफसरों का नहीं। और फिर ये गांव तो ऐसा गांव है जहां चींटी भी पैर के नीचे कुचल जाए तो लोग उसके भी जख्मों का इलाज करते हैं। ये इस इलाके के पुलिस ऑफिसर हैं। सर, इंस्पेक्टर किरण कुमार। नाइस मीटिंग यू। मुझे भी सर। इस इलाके में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कीजिएगा। जरूर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। तू शहर से आया है ना? हाँ। मेरे बापू को नहीं लाया? बापू? हाँ, मेरे बापू नहीं मिला तेरे को? देखो, अगर तुम मेरे बापू को लाओगे ना तो मैं पत्थर नहीं मारूंगी। हाँ ले आऊंगा, तुम्हारे बापू को मैं ले आऊंगा। जाओगे? कौन है ये लड़की? ज्वाला की लड़की है सर, जुबनी। बाप जेल चला गया और ये पागल हो गई। दयालु सेठ, आपने मुझे याद किया? हाँ कालू, फौरन कुछ गाड़ियों का इंतजाम करो और जंगल से जानवर पकड़कर गोखले के पास भेज दो। वो बेचारा कब से अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा होगा। वो फॉरेस्ट अफसर? वो आज की रात ड्यूटी पर नहीं होगा क्योंकि वो आदिवासियों के जश्न में जा रहा है। सर, जंगल में कुछ लोग जानवरों को पकड़ रहे हैं। टायर पंचर हो गया, भागो। माँ कसम, तूफान तो अब मैं ऐसा खड़ा करूंगा इसकी जिंदगी में कि हमारा एक किशनवा बांसुरी बजाना भूल जाएगा। हाथी का बच्चा खड्डे में गिर गया है। चलो क्या बात है, किसी मुसीबत में? पुलिस ऑफिसर आ गया, चलो भागो। दिल कहीं का, get out, यहाँ से। मैं तो कहता हूं उस पहले अफसर की तरह इस कमीने का भी खून करवा दो। दयालु सेठ, तुम दिन के उजाले में मौत की नींद सुलाने के ख्वाब नहीं देखा करते। मैं चाहूं तो तुम्हारे दयालु सेठ को इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां खून खराबा करने नहीं आया हूं। मैं तुम लोगों को यह समझाने आया हूं कि जानवरों की लूट मार बंद कर दो। अरे नहीं सुनती, आपके बच्चे को एक गुंडा उठा के ले गया। क्या वो राजेश को कई बदमाश उठा कर ले गया? Oh, my God.
राजेश चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। राजेश, राजेश, ओह माय गॉड, ये तो बुरी तरह जख्मी है, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूं। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरे बेटे की खातिर अपनी जान खतरे में डाली है, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बेटे की तरह पढ़ूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए किशन साहब, आप जज्बात में नहीं कानूनी दायरे में रह के सोचिए, बगैर सबूत के क्या मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूं? और फिर दयालु इस इलाके का सबसे भला आदमी है। सबसे बेईमान आदमी है वो, उसने मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की, उसी ने एक मासूम जानवर की जान ली है। अगर तुम उसे इसी वक्त जाकर गिरफ्तार नहीं करते तो मैं जानता हूं उसे किस तरह गिरफ्तार करना है। किसके लिए काम करता है तू, बता जागीरा। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वाह फॉरेस्ट ऑफिसर साहब वाह, आप तो जबान के बड़े पक्के हैं। कहा था मुजरिम को पकड़ लूंगा, सो पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया साहब। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे। अरे ये क्या किया आपने? जो आप वर्दी पहनकर भी ना कर सके, मगर इस तरह मारना कानूनन जुर्म है, और जो इसने किया है वो इससे भी बड़ा जुर्म है, तो इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। एक मुजरिम को मुजरिम के हवाले कैसे कर सकता हूँ मैं? ऑफिसर, मुझ पर लगाया हुआ यह इल्जाम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर किरण बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर मैं फॉरेस्ट ऑफिसर किशन को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? एक ऑफिसर को गिरफ्तार करना चाहते हो? एक बेगुनाह आदमी को इतनी बेरहमी से मारा है सर कि वो बेचारा उसके ऑफिस में बेहोश हो गया, मेरे मना करने पर अपने डिपार्टमेंट को बुरा भला कहता है। अब आप ही बताइए कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसी वक्त निकलता हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा। मुझे छुड़ा लो, वो मुझे मार डालेगा। तू हमारा आदमी है, किसी और के हाथों कैसे मर सकता है? धनी राम बोल दो इसे। दयालु सेठ, आप तो भगवान हैं। नहीं जागीरा, भगवान की शक्ल ऐसी नहीं होती। कालू से जरा भगवान की शक्ल दिखाना। माँ कसम ये तो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा आप आ गए सर, मैं आप ही के आ रहा था कि ऐसे मुजरिम को लेकर जो मुजरिमों के बहुत बड़े गिरोह को आपके हवाले कर सकता है। फिलहाल तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मतलब? मतलब नहीं समझते मिस्टर किशन। किशन, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मेरा गुनाह क्या सर? तुमने जागीरा की जान ली है। मेरे पति कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया। सेठ डायलो के जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए आदमी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। धनीराम से पूछे, वो जानता मैं निर्दोष हूँ। क्यों धनीराम? मैंने तो आपसे कहा था कि जागीरा को इतना मत मारिए, मर जाएगा बेचारा। मर गया, आपने मार डाला उसे। गुनहगार मैं नहीं हूँ सर, गुनहगार ये है धनीराम है जो झूठी गवाही दे रहा है। मैं निर्दोष हूँ। किशन, निर्दोष कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर ले चलो इसे। लिहाजा अदालत मुलजिम किशन श्रीवास्तव को 7 साल कैद व मशक्कत की सजा का हुक्म देती है। तुम यहां कैसे आए? तुम्हारी तरह मैं भी दयालु के चाल का शिकार बन गया बाबा। किसी के खून से हाथ धोकर उसने मेरे दामन से पूछ ली। उस शैतान ने तुम्हारे साथ भी। मेरी बेटी जुगनी कैसी है, कहां है वो? मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया बाबा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, मगर मैं इन दीवारों में बेकसूर होने की सजा नहीं काटूंगा। मैं उन खूनियों को यहां जरूर पहुंचाऊंगा। वैशी दरिंदे हमारी सजा के असली हकदार वही है। चलो सीधे जाओ। राजेश, तेरी माँ कहाँ है? बहुत बीमार है, 15 दिनों से बेहोश पड़ी है, बार बार आप ही का नाम लेती है। डॉक्टर ने कहा आप नहीं आएंगे तो माँ मर जाएगी। डैडी माँ को बचा लो, डैडी माँ को बचा लो। डैडी
चल बेटे। किशन मिस्टर किशन, यू आर अंडर अरेस्ट। ज्वाला, तुम्हारी सजा आज पूरी होती है। ये रहे तुम्हारे कपड़े और ये मेहनताना। मुझे उम्मीद है कि तुम अब एक नेक और शरीफ इंसान की जिंदगी बसर करोगे। देख बेटी, तेरा बाबा आ गया है, अपनी चुकनी के पास आ गया। बेटी मैं आ गया हूँ। बेटी रुक जाओ, मेरा बाबा यहाँ नहीं है। मैं कहती हूँ मेरा बाबा यहाँ नहीं है। मैं हूँ तेरा बाबा बेटी। नहीं, तू मेरा बाबा नहीं है, तू झूठ बोलता है। मेरा बाबा माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और मेरी चुड़िया लाने शहर गए हैं। मेरी बारात आने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। किशन किधर है? मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बोल, किशन ने धनी राम को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं मालूम। मालूम है, तू मेरे पास होगी तो खुद ही मालूम करने आ जाएगा। छोड़ दे इन्हें, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। ले, छोड़ दिया। हाँ कसम, टुकड़े टुकड़े करना तो हमारा काम है। उस फॉरेस्ट ऑफिसर किशन के बच्चे को खत्म कर दूंगा। खत्म तो आज मैं तुम लोगों को कर दूंगा। सर हमेशा पापियों के कटे हैं, तुम सबके सरों को आज मैं काट के रख दूंगा। बोल धनी राम कहां है? अभी बताता हूं कहां। छोड़ दो उसे, वरना इस बुड्ढे को गोलियों से भून दूंगा। ए ऑफिसर, मां कसम तेरी जोरू की जोरदार जवानी पर हमारी बड़ी नजर थी। अब तेरे सामने उसकी ऐसी नजर उतारूंगा कि वो तुम्हारी नजरों में तो क्या, खुद अपनी नजरों में गिर जाएगी। अगर तूने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तेरा खून बहा दूंगा। खून बहाना तो मां कसम हमारा काम है। अरे छोड़ मुझे, मुझे जाने दे, मेरा दूल्हा अंदर है। आओ आओ, फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में। मेरा दूल्हा कहाँ है? हम मैं तुम्हारे दूल्हा। तुम मेरे दूल्हे हो? कितना अच्छा दूल्हा है मेरा। आज मेरा बापू होते तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते। नहीं बेटी नहीं, ये दूल्हा नहीं, खूनी है, खूनी। चुप, तुम झूठ बोलते हो। ये मेरा दूल्हा है। सुन लिया फादर इन लॉ? कमीने, इसके पागलपन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है तू? ले जाओ इसे और सजा के ले आओ मेरी दुल्हन की तरह। देखा, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। मां कसम शिकार खुद ब खुद हमारे चंगुल में चले आ रहे हैं। डालो। खबरदार जो अपनी जगह से कोई हिला, वरना इसे यही ढेर कर दूंगी। चुगनी, मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, तेरी मौत बनकर आई हूँ। बोल अपने कुत्तों से कि ने छोड़ दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। मतलब तुम पागल नहीं हो? पागल तो तू है जो मुझे पागल समझ रहा है। मेरा पागलपन तो उसी वक्त ठीक हो गया था जब तूने एक आदमी की जान ली थी और जया को यहाँ ले आया। तो क्या क्या तू? बोल अपने कुत्तों के इन्हें छोड़ दे, बोल।
खोल दो इन्हें। सच कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, जानवरों की तस्करी और जागीरा का खून दयालु ने करवाया था। अरे भाई जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। साहब पंचर ठीक हो गया, अभी लगा देता हूं। जुगनी, ऐसा मत कहो। जुगनी,